आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। सभी से जोरदार तालियों के साथ कलीसिया आज के दिन के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस समय के लिए, प्रभु की इस समय दी गई जीवित हजूरी के लिए, पवित्र हजूरी के लिए, पाक हजूरी के लिए सभी जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो परम प्रधान है, जो सर्वशक्तिमान है और जो हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस समय के लिए, इस सुबह के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमें संभालता है, छुड़ाता है, बचाता है और हम सबको गवाहियों के साथ खड़ा किया है, इसलिए सभी जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें विजयी देने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। शांति के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्षमा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। अद्भुत कामों को करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब हमारे जीवन में सब कुछ करने वाले प्रभु यीशु मसीह का आज सभी जन धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे मुख की चमक है, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। परम प्रधान परम धन्य परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। हमारी सारी आवश्यकताओं का हमारा परमेश्वर पूरा करता है समय समय पर, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। आश्रय कर्म को करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। पराक्रमी परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करें। परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हमारे दयालु और करुणानिधान प्रभु यीशु मसीह का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए। वो हमारा परमेश्वर जो स्तुति में विराजमान है और अति स्तुति के योग्य है, वो अति महान है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो अति पवित्र परमेश्वर, आज उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परम प्रधान प्रभु का धन्यवाद करें। महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे शांति के परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें। सब प्रकार की शांति देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा का, शांति के राजकुमार परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर जो हमारा बड़ा सहायक है, हमारा मददगार है और हमारे आगे आगे चलता है और हमारे मार्गों को सीधा करता है, आज परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन कलीसिया प्रमुख खोले और इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप फौरन से प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, किसी भी स्टेट से है, सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर, हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे अंग संग रहने वाले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। सारी पृथ्वी और सारी स्वर्ग के परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। राजाधिराज का, प्रतापी परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे जीवन में कोई हुई चीज़ों को हमें दुगने भाग से वापस करने वाले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने घर के एक सदस्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमें संभालता है, हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है। कमज़ोर पड़ने से वो हमें अपनी ताकत देता है, बीमार पड़ने से वो परमेश्वर के चंगा करता है, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारी समय समय पर सुधि लेता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन के वो उत्तर देता है, इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो आदि और अंत है, जो अल्फा ओमेगा, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो कल और आज और युगानुयुग एक सा है और जो कभी नहीं बदलता और बल्कि वो सर्वदा हमारे साथ रहता है, हालेलुया। और जिसका प्रेम सिद्ध है, जिसका प्रेम कभी टलता नहीं है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारा महान चरवाहा है, वो हमारा प्रधान चरवाहा है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम सबको गवाहियों के साथ ब्लेस करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारा बल है और हमारा भजन का विषय है, हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा मजबूत चट्टान है, आज परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। हमारे सारे अपराधों के अनुसार हमारे परमेश्वर ने हमारे से व्यवहार नहीं किया, बल्कि हमारे परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया और हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाया, अपने प्रेम को दिखाया। वो प्रेम जो सब प्रेम से उत्तम है, वो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, उस प्रेम के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो जयवंत परमेश्वर, आज जयवंत परमेश्वर का धन्यवाद करें।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन प्रभु का धन्यवाद करे और अपने आप को इस समय परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करे, समर्पण करे। कलीसिया आज आप जहाँ कहीं भी प्रभु की हुजूरी के साथ कनेक्टेड है, हालेलुया, आज परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सरेंडर करे, समर्पण करे। वो हमारा परमेश्वर जो वायदों का परमेश्वर है, हालेलुया, जो कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है, बल्कि हमारे अंग संग रहता है और हमारे आगे आगे चल के वो हमारी अगुवाई करता है, हमारे मार्गों को वो सीधा करता है। आज परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करे, समर्पण करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो नाम जो यीशु नाम है जो सब नामों से आला है, महान है, उस यीशु नाम में सब कुछ सरेंडर करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। वो प्रॉब्लम्स को, वो सिस्ट को, वो ट्यूमर को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। वो ट्यूमर जहाँ कहीं भी है इस समय, आपकी बोन में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, आपके ब्रेन में हो सकता है, वो सिस्ट जो आपके पेट में है, हालेलुया, किसी भी हिस्से में है, वो स्टोन जो किसी भी हिस्से में बॉडी के, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है यशाया 49 में कि हमारे परमेश्वर ने हमारे चित्र अपनी हाथ की हथेली पर खोद करके बनाया है। और परमेश्वर के वचन यशाया 43 में लिखा है कि वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा रचने वाला है, वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ने परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारी जो शहर पनाह है, हालेलुया, वो हमारे परमेश्वर की दृष्टि में सर्वदा बनी रहेगी, हालेलुया। और हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। इसलिए आज आपके शरीर में कोई भी ट्यूमर है, कोई भी बीमारी है, कोई भी दर्द है, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। और आपको कहना है कि प्रभु, मैं आपके हाथों की बनाई हुई रचना हूँ। आज जो प्रॉब्लम आ गई है, उस प्रॉब्लम का नाम लेकर के आपको कहना है कि प्रभु, मुझे आपने बनाया है, इसलिए ये दर्द मेरे शरीर में नहीं ठहर सकता, इसलिए ये कमज़ोरी मेरे शरीर में नहीं ठहर सकती, इसलिए पिता परमेश्वर ये दर्द, ये बीमारियां मेरे जीवन में नहीं ठहर सकती, ये इन्फेक्शन मेरे शरीर में नहीं ठहर सकता। आज आपको परमेश्वर के उस यीशु नाम में कहना है कि ये बीमारियां मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, यीशु के नाम से मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, यीशु के नाम से ये कर्ज मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, यीशु के नाम से ये दुख, ये दर्द, ये बीमारियां, ये तकलीफें, मैं आपको कहना है कि मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से चंगे हो चुके हैं। हमारे परमेश्वर ने अपने कीमती प्रीशियस ब्लड को दे करके हमें, परमेश्वर ने क्या लिया है, मोल ले लिया है, हालेलुया, अपने लहू का दाम दे करके उसने हमें मोल लिया है, मुझे और आपको, हम सबको उसने खरीद लिया है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। आज हमारे परमेश्वर की करुणा करें, हालेलुया, उसके नाम को ऊंचा करते हुए सभी जन, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की कमी हो, तो परमेश्वर कहते हैं कि वह मांगे, तो वह परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उलाहना दिए सब को उदारता से देता है, बुद्धि उसको दी जाएगी, किसको, जो परमेश्वर से मांगेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि यदि किसी में बुद्धि की कमी हो, तो प्रभु कहते हैं कि वो मांगे तो उसे क्या है, उसे दी जाएगी, बुद्धि दी जाएगी, हालेलुया, बिना उलाहना परमेश्वर कहते हैं कि उसे बुद्धि दी जाएगी। इसलिए आपने मांगना है तो अपने विश्वास से मांगना है, प्रभु के वचनों को मेडिटेट करते हुए, उसके वचनों को क्लेम करते हुए आपने मांगना है। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर जो वायदे का परमेश्वर है, जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी नहीं त्यागता। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि भले एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, पर परमेश्वर कहते कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर कहते कि मेरी शांतिदायक वाचा तुझसे कभी अलग ना होगी। परमेश्वर कहते कि मेरी दया, मेरी करुणा तेरे जीवन में सर्वदा बनी रहेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो कुछ भी आज आपको दिख रहा है, ये पहाड़, ये सब कुछ जो आपको इधर उधर आपके आसपास दिख रहा है, परमेश्वर कहते हैं कि ये सब टल जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर कहते, तो भी परमेश्वर कहते कि मेरी करुणा, मेरी दया तुझसे कभी अलग ना होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करें,
वो हमारा परमेश्वर जो हमें गवाही के साथ ब्लेस करता है और हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को वो करता है। आज उस परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और जो हमारा परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है हम सबको लेके जाने के लिए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमें अपने आप को प्रभु के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना है। और प्रभु का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है कि परमेश्वर में सिद्ध होते जाओ। प्रभु कहते हैं कि अपने आप को मेरे लिए पवित्र बना के रखो, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, सिद्ध बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो सिद्ध है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आपकी परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना होने से हमें एक हमारा गोल, हमारा एक निशान होना चाहिए कि हमें प्रभु के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना है। उसके लिए प्रभु के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, संगति करें, ताकि हम क्या है उन बुरे दिनों का जब सामना करें तो हम जा पाए, हम फतेहमंद हो सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो हमें गवाही के साथ ब्लेस करता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में शरण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस सुबह के समय में प्रभु के पवित्र वचन से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 उसका 17 वचन से। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन अपना मुंह खोलें, हालेलुया, परमेश्वर के गुण गान करते हुए, परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा करते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए आज उसके सम्मुख आए। आज हो सकता है कि आप अपने दिल से हालेलुया परेशान है, अपने मन से आप परेशान हो सकते हैं, आप इस समय शोकित हृदय के साथ हो सकते हैं, आपका मन टूटा हुआ है, आपको बार बार आप बार बार दूसरों पर विश्वास करते हैं, बार बार आपको धोखा मिल जाता है, आप आज धोखा खाए हुए हैं और परमेश्वर के सम्मुख आए। क्योंकि जब आप इस टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के समीप आते हैं और सिर्फ प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, तो जो आपका टूटा हुआ दिल है वो परमेश्वर ग्रहण योग्य ठहरता है, परमेश्वर को वो परमेश्वर को समर्पण होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो परमेश्वर को क्या है, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए आज आपकी परिस्थितियाँ कैसे भी होने से, आज आपके हालात कैसे भी होने से, आज आपके जीवन में परिस्थितियाँ उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होने से भी, आज आपको विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आना है। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ बदलता है और हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है, उस परमेश्वर के सम्मुख आना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप बार बार कभी किसी पे विश्वास कर लेते हो, फिर दूसरे की बातों पे आकर के उस पे विश्वास कर लेते हो और ये सर्कल आपकी लाइफ में चलता ही जा रहा, और आज आप परेशान है क्योंकि आप की लाइफ में विश्वास करना चल रहा है, पर उसके ऑपोजिट आपको क्या मिल रहा है, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, धोखा मिल रहा है। हालेलुया, आपको परेशानियां मिल रही है, आपको आंसू मिल रहे हैं, आपको रोना मिल रहा है। इसलिए आज परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और आपने कहना है कि प्रभु जी जब आप मेरी ओर हैं तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया, तो मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता। हालेलुया, इसलिए अपने आप को, इसलिए आपको प्रार्थना में कहा जाता है कि अपने आप को सरेंडर करें। हर एक हालात को, परिस्थिति को, अपने घर के उतार चढ़ाव को, अपने रिश्तों की परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपने घर की परिस्थितियों को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी जॉब के हिस्से को, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आप स्ट्रगल करना पड़ रहा है बार बार, उन हिस्सों को परमेश्वर के हाथों में आपको क्या करना है, आपको सरेंडर करना है और परमेश्वर की बड़ी दया को मांगना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो मेरी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है और हमें गवाहियों के साथ खड़ा करता है। इसलिए आइए हम सभी जन मिल करके एक अद्भुत और बड़ी गवाही को, जो परमेश्वर के जीवन में काम किया, उस गवाही को आइए हम सब मिल के सुनेंगे। परमेश्वर ने इनको बोला कि तू द गॉड ऑफ हेवन चर्च में जा, पर इनको चर्च के बारे में नहीं पता था कि चर्च यहाँ पर ही है। ये बहन बाहर में कहीं जा रहे थे, पर परमेश्वर के आगे इन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर आपने हमें नाम दिया है तो मुझे वो चर्च तक भी पहुँचा। पास्टर, इस बहन का नाम है जसविंदर कौर और ये जलंधर से रहने वाले हैं और ये दो हफ्ते से लगातार चर्च आ रहे हैं। और ये बहन बताते हैं कि इनके हस्बैंड की जॉब यहाँ चंडीगढ़ में
लगी हुई थी और रहने वाले जलंधर के हैं, पर इनके पति की जॉब यहाँ चंडीगढ़ में है। तो ये परमेश्वर को तो बहुत पहले से जानते हैं, तो ये 3 साल से लगातार चंडीगढ़ में रह रहे हैं। और ये बताते हैं कि एक दिन ये सोच रहे थे कि परमेश्वर कोई मुझे ऐसा चर्च दिखाएं जहाँ पर मैं चर्च जाके परमेश्वर के भवन में जाके मैं संगति कर पाऊँ और उसके वचनों को सुन पाऊँ। और ये बहन बहुत ही परेशान थे कि परमेश्वर मुझे कोई ऐसा चर्च दो जहाँ पर मैं लगातार परमेश्वर के भवन में जाकर संगति करने पाऊँ। तो ये बहन बताते हैं कि एक दिन कहीं ये जा रहे थे तो ऐसे ही प्रार्थना करते जा रहे थे कि परमेश्वर मुझे कोई ऐसा भवन दिखाओ जहाँ पर आप हमें लेके जाना चाहते हो, कोई हमें जीवित चर्च दिखाओ। तो ये बहन जा रहे थे रास्ते में तो इनको एक नाम दिया, द गॉड ऑफ हेवन चर्च। परमेश्वर ने इनको बोला कि तू द गॉड ऑफ हेवन चर्च में जा, पर इनको चर्च के बारे में नहीं पता था कि चर्च यहाँ पर ही है। ये बहन बाहर में कहीं जा रहे थे, पर परमेश्वर के आगे इन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर आपने हमें नाम दिया है तो मुझे वो चर्च तक भी पहुँचाए जहाँ पर आप हमें लेकर जाना चाहते हैं। ये बताते कि जब परमेश्वर ने इनको नाम दिया तो ये एक दिन बाहर से जा रहे थे तो बाहर से सच में इन्होंने कहा कि परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हो, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले हो। ये काफ़ी लंबे समय से 3 साल से ये भवन को ढूंढ रहे थे पर इनको कोई जीवित चर्च नहीं मिल रहा था, बहुत ही परेशान थे। पर जैसे एक दिन ये जा रहे थे यहाँ चर्च के बाहर से तो उसके एक दिन पहले इनको नाम आया द गॉड ऑफ हेवन चर्च कि तू इसी चर्च में जा। और सच में ये जैसे ही बाहर जा रहे थे तब यहाँ मीटिंग चल रही थी और ये बहन जैसे बाहर से निकलने लगे इन्होंने बाहर से परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर सच में तू महान है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देता है। और ये बताते हैं कि जो कि लंबे समय से जीवित चर्च को ढूंढ रहे थे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर इनको द गॉड ऑफ हेवन चर्च में लेकर आया। ये बहन 2 हफ्ते से लगातार चर्च में आ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर ने इनको जीवित चर्च के साथ जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। देखो पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है, जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर उस स्थान उस जगह पे परमेश्वर पहुंचा देता है। और जब परमेश्वर लेकर जाता तो इसका मतलब यह कि वो फ्रूटफुल होने वाले हैं। हालेलुया, जोर से ताली बजाएं इस अगुवाई के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। देखो परमेश्वर ने तो पहुंचा दिया है लेकिन भरमाने वाले लोगों की कमी भी नहीं है। हाँ या ना, है कि नहीं है? शैतान भी जोर लगाता है पर जो आत्मा में स्थिर रहता है, वचन में स्थिर रहता है, उसको कोई भी भरमा नहीं सकता। भरमाए वो लोग जाते हैं जिसको परमेश्वर से प्रेम नहीं, और इसका मतलब यह है कि उनको भरमाने वाला ज्यादा पसंद है। हालेलुया, तो इसलिए वो निगेटिविटी लोगों के पास चले जाते हैं। तो जो परमेश्वर में स्थिर रहते हैं, और ये होता ही होता है ये, और इसलिए परमेश्वर में आपको अड़े और खड़े रहना है और संगति में रहना। हालेलुया, जोर से ताली बजाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बड़ी कवाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया, सभी जन जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें इस दी गई गवाही के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें, अद्भुत कामों को करके देता है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करें। हर एक जन तालियों के साथ इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी सर, धन्यवाद ईश्वर, अपने घुटनों पर आइए, हम सभी एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जी सर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, प्रार्थना करते हर एक जनों के लिए, जितने जन प्रभु जी इस समय आपके सम्मुख आए हैं, अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करें, टूटे हुए मन के साथ आए, धोखा खाए हुए हृदय के साथ आए प्रभु, यीशु के ब्लेस करना प्रभु, इनके हर एक दुख को बड़े आनंद में बदल देना पिता परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक दुर्बलताइयों से आजाद करना, कमजोरियों से आजाद करने के लिए प्रेमी पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक परेशानियां परमेश्वर पिता आपके नाम से, यीशु नाम से इन्हें छोड़ के जाती रहे, हर एक दर्द आज इन्हें छोड़ के चला जाए, वो दर्द जो शरीर में सर से लेके पैरों के तलवों तक किसी भी हिस्से में है, हालेलुया, जो कंटिन्यू दर्द है, जो लगातार दर्द है, जो सुबह होती है, जो शाम होती है, नहीं तो साल में एक बार, नहीं तो हर बार आपको दर्द रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हालेलुया, परमेश्वर पिता आज हम प्रार्थना करते हैं कि जिस दर्द के लिए इनको पेन किलर लेना पड़ रहा है पिता परमेश्वर, मेडिसिन लेना पड़ रहा है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से वो दर्द के बंधन आज टूट जाए, आज टूट जाए दर्द के बंधन आपके जीवन से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु के नाम से दर्द के बंधन टूट जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, सिस्ट स्टोन ट्यूमर
पर यीशु के नाम से आपको छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से आपको छोड़ के जाए। सभी जन कहे कि मैं परमेश्वर का हूँ, मैं अपने परमेश्वर के हाथों के बनाया गया हूँ, हाथों की बनाई गई हूँ, इसलिए स्टोन ए ट्यूमर ए सिस्ट तो मेरे शरीर में ठहर नहीं सकता। आज तुझे यीशु के नाम से जाना होगा, आज तुझे यीशु नासरी के नाम से जाना होगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज अब जहाँ कहीं भी जा रहे हैं अपनी जॉब के लिए या किसी जरूरी काम के लिए, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप जहाँ भी जा रहे हैं प्रभु आपको वहाँ पर जयवंत बनाए, जयवंत बनाए परमेश्वर। अपने वायदे से, अपने वचन से आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। वो आपका वचन जो कहता है कि जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, प्रभु के वचनों को मानेंगे, तो परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हमें आपका यानी कि परमेश्वर का और मनुष्य का अनुग्रह मिलेगा, फेवर मिलेगा। आज प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि इन्हें बड़ा अनुग्रह मिलने पाए, इनके जीवन में बड़ा फेवर 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 आज यीशु के नाम से मिलने पाए। प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, हर एक तरह के कोर्ट केस से आज आजाद कीजिए। लंबे समय से चले आ रहे कोर्ट केस आज यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु बेस्ट इंतजाम कीजिए, आप सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रभु हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हॉस्पिटल के जीवन से आजाद कीजिए, मेडिसिन के जीवन से परमानेंट आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कर्जों से आजाद कीजिए प्रभु जी, हर एक तरह के कर्जे से आजाद कीजिए प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कर्जे की दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनके पास घर नहीं है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनको घर के साथ ब्लेस कीजिए प्रभु, खूबसूरत घर के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे के सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए, हर एक तरह का बंधन आज यीशु के नाम से आपके जीवन से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद आदिशु प्रभु। जो जॉब करते हैं प्रभु, मदर सहायता करना, आने जाने मार्गों का आपके हाथों में देते प्रभु। और जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, उन्हें बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स, इनकी फाइल को, पासपोर्ट को आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु, सुपर ब्लेस कीजिए प्रभु। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, बंद दरवाजे खुल जाए, बंद रास्ते यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए पिता परमेश्वर। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पूरा दिन को आपके हाथों में देते प्रभु, आपके हाथों में देते प्रभु। आने जाने मार्ग में मदद करना, हर हानि या नुकसान से बचाने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बड़ी गुड न्यूज आज इनका पीछा करें, और गुड न्यूज के साथ ब्लेस और ब्लेस और ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खोई हुई चीजों को वापस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। खोया हुआ गोल्ड, खोया हुआ सिल्वर, खोए हुए डॉक्यूमेंट्स यीशु के नाम से मिलने पाए, यीशु के नाम से मिलने पाए। सारी कमजोरियां चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक तरह स्किन की प्रॉब्लम से आजाद जाए, स्किन की एलर्जी आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, बीबी की प्रॉब्लम होली गोस्ट फायर 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सर दर्द से आजाद हो जाए, घुटनों की दर्द से आजाद हो जाए, पेट की बीमारियां आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। गले की दर्द से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु इनके लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जो बैक स्लाइडर हो गए, आपसे दूर चले गए, संगति से दूर चले गए प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से प्रभु वो आपके प्रेम का अपने जीवन में ग्रहण करें, और प्रभु जी आपके प्रेम से बढ़ते चले जाए, आपके प्रेम में बढ़ते चले जाए, संगति में बढ़ते चले जाए, प्रार्थना के जीवन में बढ़ते चले जाए, वचनों को पढ़ने के जीवन में वो बढ़ते चले जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। इनके जीवन की हर एक घटियों को दूर कीजिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर कमियों को दूर करके घटियों को पूरा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु दया करो, आशीष दो पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। आज पूरा दिन भर संभाल के रखना, हर तरह से रखवाली निगरानी करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आने जाने मार्गों में मदद करना प्रभु, वीजा के साथ ब्लेस करना, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करना प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। रुके हुए काम पूरे हो गए प्रभु, आपके आगे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, सारे बंधन तोड़ दिए प्रभु जी, दरवाजों को खोल दिया और गवाही के साथ खड़ा कर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, सभी को अपने आगमन के तैयार करें, उसके निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। करी से सभी जन का आमीन।
तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मसीह गीत HD और द गॉड ऑफ हेवन चैनल्स को, तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, और सभी जन परमेश्वर में बने रहना है। लगातार प्रार्थना करते रहे, सुबह शाम की प्रार्थना के लिए, हर शुक्रवार शनिवार हर रविवार की प्रार्थना सभा के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि आज 12 बजे दोपहर को फास्टिंग प्रेयर शुरू होगा, तो सभी जन इनवाइटेड है, आना है परमेश्वर से अद्भुत और नया अनुग्रह लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। अपने जीवन के हर एक बंधनों को यदि आप चाहते हैं कि वो टूट जाए, उसके लिए हमारे जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जन, वो लोग जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, प्रभु का सामर्थ्य नहीं है, हालेलुया, प्रभु का अभिषेक उसका अनुग्रह नहीं है, तो आज की प्रार्थना सभा को सभी ने अटेंड करना है, परमेश्वर से पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए, अग्नि का अभिषेक लेने के लिए, हालेलुया। तो सभी को इनवाइट करते हैं आने वाली 25 जुलाई की प्रार्थना सभा के लिए। अभी से अपनी टिकट्स को बुक कराएं, अपने लिए इंतज़ाम करें, और जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें आपने लेके आना है, हालेलुया। और आप अपने स्पेशल बीजों को भी इस बड़ी मीटिंग्स के लिए आप बो सकते हैं, चर्च भवन की ज़मीन के लिए आप अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं, एवेंजलिज्म के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए आप अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो गवाही को देना ना भूलें, गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं अपने प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाना है, अपनी इंक्वायरी को भी आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं, हालेलुया। सभी जन प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, और अपनी प्रार्थना में पास्टर जी के लिए प्रार्थना करना है, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की सभी जरूरतों के लिए। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया बुलंद आवाज से कहें हालेलुया।